नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम और खूब सारा प्यार। आज फिर से एक और वीडियो में, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जैसा कि आप सभी लोगों ने लिखते रहते हो और कमेंट करते हो और मुझे इस बात का मौका देते हो कि मैं आप लोगों से कुछ और वास्तु के बारे में साझा कर पाऊं, ताकि हम सबकी दुनिया से, सबकी जिंदगी से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूर होती चली जाए। आज मैं बात करने वाला हूं रंगों की, कलर्स की। किस तरीके से कलर्स जो हैं आपकी जिंदगी में बहुत खुशहाली ला सकते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि बीच में एक टाइम था, बीच में मतलब आज से कुछ समय पहले, एकदम से एक माहौल बनना स्टार्ट हुआ, हर घर में कलर्स मल्टीपल आने स्टार्ट हो गए। चाहे वो बल्ब का रूप ले लें एलईडी, चाहे वो घर के अंदर कलर्स एज ए वॉलपेपर आ गए, चाहे वो आपके वॉल पर अलग अलग रंगों के रूप में आते चले गए। पर ये कलर्स लोगों को कभी ये नहीं पता लगा कि घर वास्तु के हिसाब से बनने के बावजूद भी आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल तो दूंगा ही दूंगा, और उसके बाद में इस पूरी वीडियो के अंदर हर दिशा में कौन सा रंग हो सकता है, नहीं हो सकता, और कैसे वो आपको फलहित भी कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल क्या है, एक बार एक व्यक्ति है, उसकी जॉब सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसके घर के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर येलो कलर था। सिर्फ येलो रंग होने से या पीला कलर होने से उसकी जॉब जो है चली गई। क्यों ऐसा हुआ, कैसे एक पीला रंग जो है वो आपके घर में गलत दिशा में होने से बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। क्या ये सिर्फ पीला रंग दे सकता है, नीला भी दे सकता है, लाल भी दे सकता है, सफेद भी दे सकता है, बशर्त ये कि आपको पता होना चाहिए कि दिशा के हिसाब से कलर सही है या नहीं। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन लोगों को वास्तु के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, अब आप लोगों को समझने की जरूरत है। पीला जो रंग होता है ये होता है पृथ्वी तत्व का, और उत्तर जो दिशा होती है ये होती है जॉब की कारक। तो पृथ्वी और वॉटर, जो नॉर्थ दिशा है वो वॉटर की है, वो दोनों आपस में एंटी एलिमेंट है, और जैसे ही वो एंटी एलिमेंट वहां पर आया उस व्यक्ति की जॉब चली गई। लेकिन जॉब का आना हुआ या नहीं आना हुआ, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके घर के अंदर अलग अलग दिशाओं में कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो अपने घर को चार मोटी मोटी दिशाओं में बांट लीजिए। अपना कंपस लीजिए और उसमें नॉर्थ दिखाई देता है आपके कंपस के अंदर, तो जो आपके घर का नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ये चार इक्वल दिशाएं आपने बांट ली। इन चारों दिशाओं के हिसाब से आपको तीन चार कलर्स मिल जाएंगे, आप उन कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या मैं पूरा घर मल्टीपल करूं, तो उनके लिए पहले ही जवाब है कि आप पूरे घर को क्रीम कलर का पेंट करवा सकते हैं, जिससे कोई भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। अब बात आती है अलग अलग कलर्स को करने की। तो जो नॉर्थ दिशा है वो उसमें हमेशा नीला रंग करवाना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। सफेद रंग भी वहां पर चल सकता है, हरा भी वहां पर चल सकता है, पर सबसे ज्यादा उपयुक्त है नीला रंग। ये जो नॉर्थ दिशा है, ये आपके कमरे की नॉर्थ दिशा की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पूरे घर के सेंटर से आने वाली सामने की तरफ नॉर्थ दिशा के बारे में। ये जो नॉर्थ दिशा है यहां पर नीला रंग आना चाहिए। फिर आपने जो 90 डिग्री पर ईस्ट देखा, यहां पर आना चाहिए हरा रंग, साउथ पे रेड, लाल रंग, और उसके बाद में पश्चिम में सफेद। इन चारों रंगों से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने ये उपयुक्त दिशा में किए हैं। हाँ, इनके सिवा कोई भी और कलर कर देते हो, जैसे नॉर्थ के अंदर लाल कर देते हो, साउथ के अंदर काला कर देते हो, पश्चिम के अंदर हरा कर देते हो, और पूर्व के अंदर सफेद या पीला कर देते हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके सिवा चार दिशाएं और निकल कर आती हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, यहां पर भी आप नीला या हरा दोनों कर सकते हो। ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट के बीच में आप वहां पर लाल रंग कर सकते हो, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट में पीला कर सकते हो, और वेस्ट और नॉर्थ इसके बीच में सफेद या ग्रे कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज आपको ये पता लगा कि किस तरीके से घर में जो कलर्स हैं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको जॉब का दिया, ऐसे लाखों एग्जांपल हैं जॉब के, बीमारियों के, और भी बहुत सारे जो सिर्फ कलर्स के कारण आपको प्रॉब्लम्स में लेकर आते हैं। ये कलर चाहे सीलिंग का हो, चाहे वॉल का हो, चाहे वॉलपेपर का हो या फ्लोर का हो, अगर
एक जैसा है तब सही है, लेकिन अगर अलग अलग है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप कलर इस्तेमाल करते हो तो वो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देता, बल्कि आपको बहुत अच्छे ही रिजल्ट देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और यूं ही अपने क्वेश्चंस को लिखते रहिए, मैं आपके आंसर देता रहूंगा।